आपका क्या नाम है? संजम। और आप रहते हैं हिमाचल प्रदेश से आए हैं आप लोग। ये आपने जो स्कूटर बनाया है, बनाया खुद ही आपने? यस सर। तो ये लोहा लंगड़ कहाँ से जब इकट्ठा किया सर? जो सेकंड हैंड वेल्डिंग, वेल्डिंग तो किससे करवाई होगी ना? वेल्डिंग भी खुद का डालते सर? वेल्डिंग, वेल्डिंग भी आती है आप लोग? आईटीआई कर रखा है? नहीं नहीं सर, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की हमारे पास वर्कशॉप। और ये क्या है, ये तीन चीज़ें क्या है सर? ये बैटरी पैक्स है। बैटरी पैक्स हैं? यस सर। ओके, और फिर टायर आपने कहीं से ले लिया? तो एक कंपोनेंट इसका बैटरी है, लेकिन ये किससे बनाया आपने? सर ये पुरानी गाड़ी, ये पुरानी गाड़ी का है। अब बताओ कि आपका जो ये वाहन है, जिसको हम जुगाड़ वाहन भी कह सकते हैं, इसकी खासियत क्या है? ऑटोमेटिकली चार्ज। ऑटोमेटिकली चार्ज से क्या मतलब है? नहीं सर, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता। इसको जिंदगी में कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर, ऑटोमेटिकली जितना आप रन करोगे उतना ये चार्ज। ऐसा संभव है क्या? कोई अपने साइंस पढ़ी हुई है ना, तो संभव है कि स्कूटर को भी चार्ज ही ना करना पड़े, बैटरी को भी चार्ज करना ही ना पड़े और वो चलता ही जाए? संभव है कैसे? या तो सोलर होता तब संभव हो सकता था। पहले समझाओ, पहले समझाओ कि आपने कहा कि इसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है और ये जो चलता है तो मूवमेंट होता होगा, उस मूवमेंट से ही बैटरी चार्ज होती है? सर बैटरी पैक्स है इसमें। कितने? पाँच पाँच बैटरी, एक बैटरी। तो मान लीजिए कि जब पहली बार आपको चलाना हो तो आपने बिजली से चार्ज कर दिया होगा पहली मरतबा, तो यस सर। पहली मरतबा क्यों बैठी होगा? वो कौन सी बैटरी जो चार्ज की थी आपने बिजली से? सर ये पिछले पैक वाली, अगले पैक वाली कोई चार्ज? ये अगला है? यस सर। ठीक है, ये पिछला पैक, ये अगला पैक, ये आपने एक बार बिजली से चार्ज कर दिया? यस सर। अब आप इसे स्टार्ट करेंगे? यस। तो वो जो स्टार्ट हो जाएगा उससे मतलब मूवमेंट जनरेट हो रहा था, मतलब काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। यस सर। वो काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील हो जाएगी? सर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रोटेशनल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी और चार्ज होगा? यस सर। ठीक है, यानी कि ये बैटरी चार्ज होगी? यस सर। तो पहले तो इसे हल्का से चलाओ आप। हो सकता है सर, पहले के टाइम में साइकिल में लोग भी चलते थे। नहीं, वो डायनेमो वगैरह तो होता है, वो एक अलग इशू है। इनका कहना है कि उसके बाद डायनेमो तो इस मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ना, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। हाँ, इनका कहना ये है कि इसको चार्ज करना ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार चार्ज कर दिया उसके बाद ये चलाएंगे तो ये जो चलाएंगे उससे ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर ये इससे चलाएंगे इसको, फिर इससे चलाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगी और एक दूसरे से चार्ज होती रहेगी। ऐसा थ्योरी में तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा? कुछ एनर्जी लॉस नहीं होगा? होता है सर, एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट, हीट इन साउंड एंड हीट। तो जो साउंड एंड हीट से जो लॉस होगा वो धीरे धीरे ड्रेन आउट नहीं कर देगा उसको सर? बट हमने इसको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई कर दिया है कि अगर लॉस भी होता तो तब भी उसको इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यार मैंने तो इतनी साइंस पढ़ नहीं रखी है, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मतलब परमानेंटली नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म। अब तो आपने साइंस पढ़ी, बताओ सर ऐसा क्यों नहीं हो सकते, पहले बताओ सर। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों ही ड्रेन हो जाएगी, आएगा ऐसा टाइम? ऐसा टाइम आएगा। हमने इसमें डिवाइस लगाया है सर, जो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतने अमाउंट में दे देता है कि ये खुद ब खुद चार्ज हो जाती है। ये हमारा डिवाइस बनाया है। अच्छा, ये डिवाइस है? ये क्या है इसके अंदर? ये सर चलो थोड़ा चलाओ, उसके बाद थ्योरी के सवाल में बाद में पूछता हूं। क्या है वोल्टमीटर? मैंने साइंस नहीं पढ़ी ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। ये वोल्टमीटर तो वोल्टेज बताती है सर। अब ये टोटल वोल्टेज बताएगा पैक का ना आपको? आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। टर्मिनल 62.9 वोल्ट। तो ये क्या चीज बता रहा है एक तरीके से? पोटेंशियल डिफरेंस। यस। अच्छा, किसकी वोल्टेज? बैटरी। बैटरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर अब अगले पैक का देखना। अगले पैक का भी देखते हैं। 60.8 सर। अच्छा, मतलब कम है? यस कम। अच्छा ठीक है, हम सर इसको इस पैक से रन करेंगे। अभी गाड़ी चलाएंगे तो इस पैक से? अच्छा, ऐसा ऑप्शन दिया आपने, कब किससे चलाना है? ये सर स्विचेस सारे इसी को, स्विचेस कंट्रोल ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो मान लो कि पीछे वाले से चलाना है तो उसके लिए कौन सा स्विच होगा? ये पीछे वाले से। ओके, तो इस बैटरी पे चलेगा और चलते चलते ड्रेन आउट हो जाएगा आपका कहना है, लेकिन उस दौरान इसके माध्यम से ये चार्ज हो जाएगा और वाइस वर्सा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो जब तक बैटरी की लाइफ है चार्ज करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है तो हर आदमी क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? इसको मैं इस तरीके से पूछता हूँ, आमतौर पे ये वाली जो आपने वाली बैटरी है, बैटरी पैक इसकी लाइफ कितनी होती है? सर लेड एसिड बैटरी की 2 से 3 साल। तो इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि 3 साल तक इसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं, ये मतलब हो गया ना? इंटरेस्टिंग, तो फिर भी लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता।
बट ठीक है, बहरहाल हम आपका ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट अब थोड़ा चला। सर अब हम इसको पिछले बैटरी पैक पे रन करेंगे, ठीक 63 वोल्ट थी पिछले बैटरी पैक, हाँ हाँ हाँ, और अगले की थी 61। अच्छा ठीक तो है, तो अब आप देखना इसका 63 था, इसका 61, अब थोड़ा चलाएंगे इसका कम होगा, हाँ इसका भी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे चलाओगे, और पीछे से चलाना पड़ेगा क्या, उधर से जाके फिर एक राउंड इधर मोड़ के ले आना। कौन बैठ के चलाता है, आप लोग बैठते हैं, यही चला पाता है ना, आप नहीं चला पाते? मैं चला लेता हूँ सर, पर ये एक्सपर्ट होगा। अच्छा, हालांकि आविष्कार तो दोनों ने मिलकर किया ना, ये अकेले इन्होंने किया, और दोनों ने आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की? सर अभी हम सेकेंड ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में, हिमाचल में ही पीजी कॉलेज में। साउंड भी नहीं कर रहा, ब्रेक लगता है मतलब? यस, पूरे वहां तक चलाने जाते मेरी गाड़ी है, बच्चे 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 खिला रहे हैं ना बढ़िया। आप लोग किसके स्पोर्ट्स में ना क्या खेलते हो? अभी खाली अब देखते हैं वोल्टेज 63, इसका 63 था, 61 तो इसका हमने चलाया किससे था सर? इससे चलाया, तो ये घटना चाहिए वोल्टेज, चलना पर इसका पहले कितना घट गया, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, करंट आने वाला है, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, दूर 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 ये हो गया है आपका 61 तो 2 वोल्ट गिर गया, 2 पॉइंट्स गिर गया, ठीक है। अब इसका ये कितना था? 61, ये 61 था, तो इसका बढ़ना चाहिए। यस सर, अगर चार्ज भी इतना चला के 61.6, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है कि चार्ज भी ना करना पड़े जिंदगी में? सर इसमें ये तो तभी हो सकता है अगर रिहर्सल भी करें और ये इसको 1000 किलोमीटर चलाया जाए। सर हमारे पास जितना ट्रैक में था, आपने कितना चलाया? 250 थैंक यू, चला चुके ये तो बन गया, तो हो चुका ना, अब इसको आप डिसेंबल करके हमने इसमें जो एनहांस करना है वो है, तो इसमें सर फ्रंट ब्रेक में डिस्क इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, सेकेंडली इसकी बॉडी, अभी इसमें फ्रंट ब्रेक है ही नहीं ना, है ही नहीं है। अच्छा, और सेकेंडली इसकी बॉडी पीछे वाला कैसे लग रहा फिर इसके अंदर? सर ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक सर, ये अच्छा ब्रेक है, गुड यार, बहुत अच्छा है। आप लोग तो अभी आपने बताया बीएससी सेकेंड ईयर में आप हैं, और आप बीएससी क्लासमेट? अच्छा, और ट्वेल्थ भी आपने इकट्ठे की? नहीं सर, बाद में दोस्त बने आप लोग, दोनों का दिमाग चलता होगा आपका ऐसा आविष्कार करने में, आपका भी इंटरेस्ट रहता है इनोवेशन में, आपका भी इनोवेशन में इंटरेस्ट है? बेसिकली मैं तो सीडीएस की तैयारी कर रहा था, बट सीडीएस भी दोगे मतलब? यस सर, अभी अप्लाई किया। आप भी दोगे सीडीएस? नो सर। आप क्या करोगे? चलो बढ़िया, गुड, ऑल द बेस्ट। अब आप जा रहे हैं हिमाचल वापस, तो ऑडियो को इम्प्रूव करो तब तक। थैंक्स, थैंक यू, ओके ओके ओके।